तो दोस्तों आज मुझे एक न्यूज़ पता चली और वो न्यूज़ काफ़ी ख़तरनाक टाइप की थी। एक्चुअली इन शॉर्ट मैंने इंस्टॉल किया है परसों ही से और अच्छी अच्छी खबर देखने को मिलती है भाई सबसे पहले, लेकिन ऐसे इन शॉर्ट में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ठीक है। और आज मेरे स्मार्टफोन में एक नोटिफिकेशन आई, तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि भैया एक बंदा जो है वो रेप थ्रेट दे रहा था, और वो रेप थ्रेट कोई कॉमेडियन थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा, यहाँ आप देख सकते हो कि उनका नाम लिखा है, ठीक। तो मैं उनकी वीडियोस देखता नहीं हूँ कि भैया जानता नहीं हूँ कि कैसे वो फ़नी कॉमेडियन है, कॉमेडी करने आता भी है, कि उनकी कॉमेडी को जज नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो में बस आपको बताना है कि हुआ क्या था। देखो, उन्होंने जो कॉमेडियन थी, आप यहाँ नाम पढ़ रहे हो, तो उन्होंने एक कॉमेडी शो में अपने वो लिया कुछ छत्रपति के खिलाफ, मतलब कि थोड़ा सा कुछ बोल दिया था, या फिर उनके खिलाफ जो मूर्ति बन रही थी वो सरकार के लिए कुछ मजाक किया था उन्होंने, कुछ ट्रोल किया था, तो उससे उसकी वजह से जो है यहाँ हंगामा हुआ। और उसकी वजह से शुभम मिश्रा, आप जानते होंगे ये हिंदुस्तानी भाऊ लाइट वर्जन है, तो इन्होंने क्या किया था कि एक वीडियो बना डाला, और इन सभी की वीडियो आप जानते हो, हिंदुस्तानी भाऊ लाइट हो गए चाहे हिंदुस्तानी भाऊ खुद हो गए, तो ये सब की वीडियोस में आप जानते हो वीडियोस में सबसे ज़्यादा गाली का यूज़ होता है। तो वो ऐसे ऐसे गाली दे रहे थे कि बेशक उनको FIR कराना पड़ा है जो कॉमेडियन थी, और आज वो जेल में गुजरात में हैं, और गुजरात में कोई सिटी है और सिटी का नाम भी मुझे नहीं याद आ रहा, बताओ, ठीक है। तो वो सिटी में जो है उन्हें पुलिस थ्रेट में ली है इस रेप थ्रेट के जुर्म में, ठीक है। और ये न्यूज़ आज ही की है भाई, तो शुभम मिश्रा जी इस समय जेल में है भैया, हरासमेंट में है, और अभी देखते हैं उनके साथ क्या हो सकता है। वैसे उनकी परसों वीडियो आई थी, लेटेस्ट वीडियो थी, और ये कल ही अरेस्ट हुए हैं पुलिस से, तो अब देखते हैं बाकी इनके खिलाफ क्या होता है, और क्या हिंदुस्तानी भाऊ मदद करेंगे इनकी अपने छोटे लाइट वर्जन की। तो ये बस थोड़ी सी अपडेट वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई ब्लॉग नहीं था, वैसे ब्लॉग जल्दी आने वाले हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो वैसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।